व्हाट्स अप गाइस, आई एम अभय शर्मा, यू आर वाचिंग थिंकिंग पेंगुइन। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप ब्लेंडर 2.8 को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूं विंडोज़ 10, लेकिन बाकी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो मैक ओएस या लिनक्स, उसके लिए भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को blender.org पे जाना है। तो हम लोग जाते हैं blender.org, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड ब्लेंडर 2.8। और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से ब्लेंडर ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा कि आपको कौन सा ब्लेंडर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, विंडोज़ 64-bit इंस्टॉलर जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये सही नहीं है और सही से काम नहीं कर रहा ब्लेंडर का वेबसाइट, तो आप जाके यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी 32-bit या 64-bit आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए है, लिनक्स के लिए है। हम लोग को विंडोज़ का करना है तो, और स्टीम पे भी है, और यू नो आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 10, तो हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है, और मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो गया। मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको मिलेगा एक exe फाइल, ठीक है, और इस पर बस आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप जो प्रोसेस है उसको बस फॉलो करते जाइए। यहाँ पे लाइसेंस अग्रीमेंट है, इसको आप कर दीजिए सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, और ये विंडोज़ 2.8 आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है। ओके, जस्ट गिव इट अ फ्यू मिनट्स। और ये हो गया ब्लेंडर इंस्टॉल। अभी ये देखिए ब्लेंडर का जो आइकन है यहाँ पे ऐड हो गया है, इसको बस डबल क्लिक करेंगे आप, और डबल क्लिक करने के बाद विंडोज़ ये ब्लेंडर हो जाएगा ओपन फर्स्ट टाइम। थोड़ा टाइम लेता है, और ये देखिए मेरे पास ब्लेंडर 2.8 ओपन हो गया, राइट। मैंने ऑलरेडी इसके कुछ सेटिंग्स है वो सेव किया हुआ, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वो सेटिंग ले लिया है। अगर आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का, लोड फैक्ट्री सेटिंग्स, ऐसा दिखेगा आपको। तो खैर, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। आई थिंक कि अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।